यहाँ 1.5 किलो बैर है। बैर को अच्छे से धो के 2 घंटे धूप में सुखो लेना है। सुखो के इसके डंठल को तोड़ देना है। देखिए इसका डंठल बहुत छोटा रहता है, इसको ऐसे तोड़ के तैयार कर लेना है। यहाँ बैर का मैं खट्टी मीठी और तीखी अचार बना रही हूँ। देखिए इसे सबको तोड़ के तैयार कर लूँगी। करके इसको बैर को जरा सी छोटा तोड़ दूँगी। तोड़ देने से इसके अंदर तक मसाला जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है। देखिए ऐसे ही सब बैर को मैं तोड़ लूँगी। देखिए तोड़ के मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं एक कढ़ाई बिठाऊँगी। कढ़ाई को लो गैस में 10 सूखी लाल मिर्च दे दूँगी। लाल मिर्च को 1 मिनट तक भूनूंगी, इसको मसाला तैयार करूँगी। देखिए ऐसे ही अच्छे से भून लेना है। अब मैं इसमें साबुत मसाला ऐड करूंगी। इसमें मैं अब 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच साबुत जीरा, 2 चम्मच साबुत सौंफ और 1 चम्मच साबुत मेथी डाल दूंगी। डाल के लो गैस में ही को भूनूंगी। जब तक कि ये मसाला से अच्छे खुशबू नहीं आ जाता और इसका कलर जरा सा चेंज नहीं हो जाता, तब तक इसको भून लेना है। देखिए मसाला से एक बहुत अच्छे खुशबू आ रहा है। मसाला मेरा भुना हो गया है। अब मैं मसाले को निकाल लूंगी। मसाले को साइड में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। अब मैं कढ़ाई में 4 चम्मच सरसों का ऑयल दूंगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब 1 चम्मच पचफोरन दे दूंगी। पचफोरन को मैं 10 सेकंड के लिए पका लूंगी। पका के इसमें अब मैं गुड़ दे दूंगी। मैं यहाँ 1.5 किलो बैर यूज कर रही हूँ, उसी लिए 750 ग्राम यहाँ गुड़ यूज कर रही हूँ। यहाँ मैं भेली गुड़ यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी गुड़ यूज कर सकते हो। देखिए अब लो गैस में ही गुड़ को तोड़ना है और जरा से गलने तक चलाती रहूंगी इसको, ऐसे अच्छे से गुड़ गल जाए। तब तक मैं ऐसे ही मिक्स करती रहूंगी। देखिए गुड़ मेरा गल गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर दे दूंगी। देखिए अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करके अब मैं इसमें बैर जो तोड़ के रखी थी बैर को दे दूंगी। देखिए अच्छे से मिक्स करूंगी। सावधानी से मिक्स करना है क्योंकि बैर जैसे ज्यादा है कढ़ाई में ऊपर तक आ रहा है, इसीलिए मैं सावधानी से इसको मिक्स करती रहूंगी। यहाँ गैस में मीडियम कर दूंगी। देखिए पूरा सूखा सूखा हो रहा है। अभी बैर से जरा से पानी निकलेगा तब ये जरा से गुड़ नरम हो जाएगा। देखिए ऐसे तोड़ते रहना है और मिक्स करते रहना है। इसको मैं 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। देखिए से कितना पानी निकला है। और मैं यहाँ 250 ml के करीब पानी दी हूँ, वो मैं नहीं दिखा सकी, जरा से कैमरा में प्रॉब्लम था उसी लिए। देखिए आप लोग जरूर दीजिए यही टाइम में 250 ml पानी, क्योंकि पूरा सूखा सूखा हो रहा था इसीलिए पानी देना पड़ा है। देखिए अब मैं ऐसे मिक्स करती रहूंगी, तोड़ती रहूंगी और को मिक्स करती रहूंगी। अब मैं यहाँ गैस हाई फ्लेम कर दूंगी। देखिए करके अचार को पकाऊंगी।
देखिए पानी देने से अच्छे से मिक्स हो पाया है गुड़, नहीं तो एकदम सूखा सूखा लग रहा था। हाई फ्लेम में ही पकाना है। देखिए पानी कितना सूख गया है, 7 से 8 मिनट हो गया है पकाते हुए। अब मैं जो मसाला भून के रखी थी उसको दरदरा पीस ली हूँ। देखिए पूरा नहीं पीसना है, जरा सिर्फ दरदरा पीसना है। अब वो मसाला मैं ऐड कर दूंगी, देके मिक्स कर लूंगी। मिक्स करके और 3 से 4 मिनट तक मैं पका लूंगी अचार को। इतना अच्छा खुशबू आ रहा है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए, मैं जैसे बना रही हूँ इसे, तब देखिएगा कितना अच्छा अचार बन के तैयार हो गया है। नीचे तक अच्छे से चलाना है, नहीं तो गुड़ है नीचे चिपक जाएगा। ये अचार को आप अच्छे से ठंडा करके कांच के कोई बॉयल में रख के धूप दिखाना पड़ता है। बीच बीच में धूप दिखा देने से बहुत दिन तक रहता है ये अचार। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।